दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति लाइट की स्पीड से ट्रेवल करे तो वह फ्यूचर या पास्ट में आ जा सकता है। लेकिन साइंस अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं बना पाया है जो कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सके। इसका मतलब ये है कि आज के डेट में कोई भी इंसान टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर या पास्ट में आना जाना चाहे तो ये इम्पॉसिबल है। लेकिन भविष्य में साइंस ने अगर ऐसी कोई चीज़ बना ली जो कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सके तो इंसान टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर या पास्ट में आ जा सकता है। ये सब बातें आपको सुनने में थोड़ी अजीब लग रही होंगी, लेकिन जुलाई 1954 को जापान के एक एयरपोर्ट पर घटी एक घटना टाइम ट्रेवल के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। दरअसल जुलाई 1954 को जापान के एक एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति आता है और वह चेकिंग काउंटर पर जब अपना पासपोर्ट देता है तो चेक करने वाले ऑफिसर के होश उड़ जाते हैं और उसे तुरंत सिक्योरिटी रूम में ले जाकर पूछताछ की जाती है। उस व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन जब उस व्यक्ति को दुनिया का मैप दिखाया गया तो उस व्यक्ति के भी होश उड़ गए, क्योंकि वह व्यक्ति जिस देश से आया था ऐसा कोई देश दुनिया में है ही नहीं, और उस व्यक्ति का पासपोर्ट किसी टॉरेड नाम के देश से था जो कि इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस व्यक्ति के पास से मिले सभी डॉक्यूमेंट जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट डिटेल, सभी टॉरेड देश के थे। जब उस व्यक्ति को दुनिया का मैप दिखाकर पूछा गया कि उसका देश कहां पर है तो उसने अंडोरा नामक देश पर उंगली रखते हुए कहा कि यही उसका देश है। इसके बाद उस व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन रूम में बंद कर दिया गया, लेकिन अगले दिन वह व्यक्ति किसी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया और उसके बाकी सभी डॉक्यूमेंट जो कि पुलिस की कस्टडी में थे वो सब भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए और आज तक साइंटिस्ट भी उस इंसान का पता नहीं लगा पाए। कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि भविष्य में एक टोरेड नाम का देश होगा जहाँ से ये इंसान टाइम ट्रेवल करके आया था। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वह इंसान सच में टाइम ट्रेवल करके आया था? कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।